खबरें वही जो दिखे सही। नमस्कार, मैं हूं गोविंदा गोला, 24 टाइम में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के खास खबरें। कल फिरोजाबाद आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ पुलिस लाइन में आयोजित लाभार्थी मेले में होंगे शामिल। अपनी सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को यानी कल फिरोजाबाद आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सुबह 11 बजे पहुंचेंगे और डेढ़ घंटे तक यहां पर रहकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान कई योजनाओं के लाभार्थियों को योजना से जुड़ी प्रमाण पत्र देंगे और करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। फिरोजाबाद से संवाददाता ब्रजेश कुमार की खास रिपोर्ट। मैम ये करा सकते हैं, जैसे वहाँ कॉरिडोर इसमें एक्चुअली सर यहाँ पे बोला किस तरह से इसको कल आगमन है माननीय मुख्यमंत्री का पुलिस लाइन फिरोजाबाद में, जिसके आयोजन के लिए हमें जनपद के अलावा हमारे रेंज से और जोन से भी हमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मिल गया है। राजपत्र अधिकारी हमें मिले हैं, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान और थाना अध्यक्ष हमें बाहर से मिले हैं, पीएसी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिली है। हमारा फोकस रहेगा पूरा एक्सेस कंट्रोल पर और जो एएस चेक है पूरा सैनिटाइज रहेगा पूरा एरिया कार्यक्रम स्थल जो कि पुलिस लाइन में है। एक हमने सेपरेट एंट्री और एग्जिट रखा है माननीय वीआईपी के लिए और जो हमारे जो लाभार्थी आएंगे उनके लिए सेपरेट है, पार्किंग की व्यवस्था सेपरेट है। तो पूरा हम लोग तैयार हैं कल के आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए। डायवर्जन भी किया गया है? रूट डायवर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि एक ही नेशनल हाईवे है। हम लोग जो है उसके लिए ट्रैफिक ड्यूटी जरूर लगी रहेगी, क्योंकि ये मेन हाईवे से अलग है और अंदर पुलिस लाइन के अंदर है, सेफ उसमें है, तो कोई डायवर्जन वैसा नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी रहेंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देखिए कल सीएम साहब का जो आगमन प्रस्तावित है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि फिरोजाबाद जनपद से वो लाभार्थी सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। सरकार के गठन के बाद एक वर्ष पूर्ण हुआ है, एक गौरवपूर्ण वर्ष रहा है और उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, कहां पर बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया जा सका है, कहां पर एक मंथन का भी विषय है कि कहां पर कमियां रही हैं उनको और आगे कार्रवाइयों में लेना है। तो इस संबंध में एक वृहद मेले जैसा लाभार्थी सम्मेलन कराए जाने के निर्देश थे और हम लोगों ने पूरे आयोजन को करने के लिए एक वृहद रणनीति बनाई, जिसमें एग्जीबिशन के माध्यम से जो जनपद में हुए गुड वर्क्स हैं उनको भी शोकेस करने का प्रयास किया जा रहा है। एक विशेष थीम है जिसमें है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स से वेस्ट टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, किस तरह से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से यूज करके उनको बेहतर बना सकते हैं, तो उसको भी इस श्रृंखला को भी और बढ़ाने की कवायद की जा रही है और एक एग्जीबिशन स्पेशली इसके लिए डेडिकेट किया गया है। इसके साथ में एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं कमिश्नर सर के निर्देशों में, जिसमें दैनिक डायरियां लिखना और जिससे लोगों के अंदर जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको और रिस्पॉन्सिबल बनाने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है उसको भी शोकेस करने की, एक बहुत बड़ा फोटो गैलरी भी हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं जिसमें उपलब्धियों को दर्शाया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। खास तौर पे लाभार्थियों का सम्मेलन है, लाभार्थियों को के हितकारी योजनाओं से उनको रूबरू कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी से उनको रूबरू होने का मौका मिले, ऐसी मंशा है। कितनी लाभार्थी किस तरह की योजनाएं हैं और कुल मिला के कितनी धनराशि का कल कल कुछ शिलान्यास और लोकार्पण भी प्लान्ड हैं और ये लाभार्थी लगभग हमारे 20,000 लाभार्थियों के लिए हम लोगों ने ये पूरी व्यवस्था रखी हुई है, जिसमें सभी योजनाएं ग्राम विकास से लेकर के तमाम जो नगर विकास की योजनाएं हैं, इसके साथ ही कुछ अन्य विभागों की योजनाएं हैं उनसे जो हो लाभान्वित हो रहे हैं, इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू साइन हुए हैं उनके संबंध में कुछ लोगों को प्रमाण पत्र, जो हमारे स्वच्छाग्रही या जिन लोगों ने ग्राम स्तरीय इकाइयों में अच्छा काम किया है उनको प्रशस्ति पत्र वितरण, इस तरह की तमाम एक्टिविटीज प्लान है। कितने घंटे का कार्यक्रम?
11 बजे से 12:30 के बीच 1.5 घंटे का प्रोग्राम हमारा प्रस्तावित है। ऐसे खबरों को देखने के लिए बने रहे 24 टाइम के साथ। खबरें वही जो दिखे सही। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।